दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की टॉप अपडेट्स लेकर आज फिर से मैं आपके सामने आ गया हूं। आज की धमाकेदार वीडियो के अंदर बातचीत करने वाले हैं हम लोग कि क्या खास अपडेट्स टीम केकेआर की तरफ से आती है। ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन आज के अपडेट से रिलेटेड आज मैं आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके अलावा IPL साल 2021 के फेज टू की अगर बात करें तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बहुत ज़्यादा कम दिन रह गए हैं अब यहाँ पर टीमों के मैचेस के लिए, सभी फैंस वेट कर रहे हैं। खैर, आज बात करेंगे केकेआर ने कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में। आज मैं आपको टॉप अपडेट्स बताने वाला हूँ, तो क्या फ़ायदा और क्या नुकसान जो कि दोस्तों केकेआर को आगे ले जाएगी पॉइंट टेबल के ऊपर। तो आप नीचे जरूर कमेंट करके बताना साथ में से कितने मुकाबले टीम केकेआर जीतने वाला है फेस टू के अंदर। टॉप अपडेट्स की बात करें तो पहली अपडेट आ रही है केकेआर की स्ट्रेटजी को लेकर। दोस्तों, आप सभी जानते हो कि 7 मुकाबले हो चुके हैं, तो खैर भूल जाते हैं कि पहले फेज के अंदर क्या हुआ। दोस्तों, यहां अगर बात करें तो फेज टू के अंदर केकेआर के जो 7 मुकाबले हैं इनको जरूरी है या तो ये 7 जीते, जो दोस्तों प्रैक्टिकली पॉसिबल तो नहीं है, बट कोई मिरेकल हो जाए तो ये 7 जरूर जीत सकते हैं। बट जो पॉसिबल है वो ये है कि यहां पर ये 5 या फिर 6 मुकाबले आराम से जीत जाए। और दोस्तों, इनको 6 मुकाबले तो जीतने ही जीतने हैं जिससे कंफर्टेबली प्लेऑफ्स के अंदर चले जाए। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यहां पर केकेआर की स्ट्रेटजी ये होने वाली है कि अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ यहां पर टीम मैदान पर उतरे, जो कि दोस्तों सभी टीम की होगी। बट यहां केकेआर की एक और स्ट्रेटजी ये है कि इनके जो पहले 3 मुकाबले हैं ये इनके लिए काफी मेन रहने वाले हैं। तो ये जो भी बेस्ट प्लेइंग 11 होगी, बेस्ट प्लानिंग होगी, जो भी बेस्ट यहां पूरी पावर के साथ, पूरी स्ट्रेटजी स्ट्रेंथ के साथ ये पहले शुरू के 3 मुकाबले खेलेंगे, क्योंकि शुरू के 3 मुकाबले ही डिसाइड करने वाले हैं केकेआर प्लेऑफ्स की दौड़ में कितना आगे जाएगा और कितना पीछे रह जाएगा। आप नीचे जरूर कमेंट करके बताओ शुरुआती 3 मुकाबलों में केकेआर की टीम का परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है। दूसरी अपडेट आ रही है ओवरसीज खिलाड़ियों को लेकर। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी समस्या होने वाली है क्योंकि 4 ओवरसीज खिलाड़ी खिलाने हैं केकेआर को। दो तो आप सभी जानते हो फिक्स है, एक है कप्तान ओयन मॉर्गन, दूसरे हैं यहाँ पर आंद्रे रसल, जो कि अभी बहुत ही बढ़िया फॉर्म के अंदर है। और वैसे भी अगर फॉर्म के अंदर नहीं होते तो भी आंद्रे रसल को बाहर रखना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है अगर वो अनफिट नहीं होते हैं तब तक। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ये 2 प्लेयर तो फिक्स है, बचे हुए जो 2 ओवरसीज खिलाड़ी है वहाँ दिक्कतें केकेआर को सबसे ज़्यादा आने वाली है। अब काफ़ी सारे लोग कह रहे होंगे जिनको मौके नहीं दिए गए हैं उनको दे दो या फिर इसको खिला लो उसको खिला लो, ये बहुत ईजी होगा। चलो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ इसके पीछे क्या रीज़न है। दोस्तों, यहाँ एक फास्ट बॉलर टीम केकेआर ज़रूर चाहेगी। अब फास्ट बॉलर के नाम पर केकेआर के पास केवल फर्गसन है और जो पैट कमिंस के रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे वो उनके पास सिर्फ एक्सपीरियंस है, इतनी ज़्यादा गति नहीं है। और वो डेथ ओवर्स के अंदर दोस्तों उनका 50-50 है। वो एक जैसे दोस्तों CSK के अंदर दीपक चाहर का रोल रहता है, वैसे ही टिम साउथी का रोल रह सकता है। देखते हैं यहाँ पर कप्तान ओयन मॉर्गन उनको मौका देते हैं या बाहर बिठाते हैं, यानी दोस्तों फर्गसन और साउथी में से कोई एक खेल सकता है, ये तो तय बात है। बट अब रही दोस्तों जो एक ओवरसीज खिलाड़ी बचा उसकी बात, अब दोस्तों यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है। दोस्तों, बैन कटिंग और टिम सैफर्ड इन दोनों को ही मौका नहीं मिला, तो 2 में से कोई एक खेले ये एक अच्छी बात होगी। सैफर्ड खेलेंगे तो ओपनिंग में मजा आएगा, नहीं तो ये मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप सभी को ये बता दें कि बैन कटिंग बॉलिंग भी कर सकते हैं, हिटिंग भी कर सकते हैं। बट अब जो दिक्कत की बात ये है कि दोस्तों टिम सैफर्ड, सुनील नारायण और शाकिब अल हसन ये तीनों ही खिलाड़ी अभी फॉर्म के अंदर चल रहे हैं, तो ये 3 और एक बैन कटिंग, 4 में से केवल एक प्लेस चुननी है तो कौन होगा। देखते हैं, आप नीचे जरूर कमेंट करके बताना इन 4 ही ओवरसीज खिलाड़ियों में से कौन से 4 ओवरसीज खिलाड़ी खेलने चाहिए। दोस्तों, ये टीम के करके टॉप अपडेट्स। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी जरूर लाइक करें।